हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और मैं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से चिर परिचित होंगे कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस पब्लिश करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाता हूं। तो आज इसी चेन को मेंटेन रखते हुए एक और बेहतरीन होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन कह लीजिए रालसन रेमेडीज के द्वारा बनाया हुआ एक पाइल्स के लिए बहुत ही उत्तम अति उत्तम मेडिसिन जो कि मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम में लेता हूं, रेमेपाइल देख लीजिए। ये ड्रॉप्स होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दिखा देता हूं मैं आपको किस तरह की पैकेजिंग है। ये 30 ml पैकेजिंग में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। रेमेपाइल के बारे में मैं आज डिटेल रिव्यू देने जा रहा हूं मेरे इस चैनल पर इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा इस मेडिसिन के बारे में कि किस तरह से वाकई में ये कारगर साबित होती है हमारी पाइल्स की कंडीशन हो, फिशर की कंडीशन हो, इवन कंस्टिपेशन की कंडीशन हो, सब कंडीशन में ये वाकई में ये मेडिसिन काम करती है या एक्चुअल क्या डोजेज होने चाहिए, किस तरह से यूज करनी चाहिए हम इस मेडिसिन को, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि होम्योपैथिक वाइंस पर ही आपको अवेलेबल कराता हूं मैं किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, केवल वहां पुश करना है और पास में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा। और एक खास बात और कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करने के बाद पूरी जो होम्योपैथिक वाइन की प्लेलिस्ट है आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस बने हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं मेडिसिन एंड डिजीज के रिगार्डिंग, आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेपाइल ड्रॉप्स रालसन रेमेडीज के द्वारा बनी हुई एक अति उत्तम होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन, चाहे वो पाइल्स की कंडीशन हो जिसे हम लोग हेमोरॉइड्स कहते हैं, किसी भी डिग्री के हो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, किसी कंडीशन में हो, फिशर हो, एनल फिशर जगह से फिशुला हो या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, इन सारी कंडीशंस में एक रेमेपाइल जो ड्रॉप्स है वो बेहतरीन तरीके से काम करती है। 30 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है। जब मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ समय से यूज कर रहा हूं मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं इस मेडिसिन के। ऐसा कोई नहीं है, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। इसके क्या एक्चुअल कंपोजिशन होते हैं, किस तरह से कारगर होती है वो मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाइल्स एक वर्स कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी रेक्टल वेन्स होती हैं रेक्टम की वो एनगॉर्ज हो जाती हैं, वो स्टूल पास आउट करने के साथ साथ बाहर की तरफ आती हैं, तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। जैसा कि मेरे क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं सर ब्लीडिंग हो रही है, कुछ ऐसा बाहर निकला हुआ फुंसी के रूप से दिखाई दे रहा है रेक्टम पर, जलन हो रही है, मिर्चियों की तरह मिर्ची लग रही है, मतलब काफी तेज जलन, बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं उस तरह की कंडीशन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, ये सारी कंप्लेंट्स आपको पाइल्स के पेशेंट के द्वारा देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर जो रेमेपाइल ड्रॉप्स है वो आप मिनिमम डोजेस से स्टार्ट कर ले सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो आइए इसकी जो कंपोजिशन है पहले मैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर कंपोजिशन ऐड किया गया है। एसिड नाइट्रिकम डाला गया है 6x पोटेंसी के अंदर, एस्क्यूलस हिप डाला गया है 2x पोटेंसी के अंदर, कॉलिन सोनिया है 4x पोटेंसी के अंदर, हेमाबलेस 3x के अंदर है, सल्फर 5x के अंदर है, लाइको 5x के अंदर है और पियोनिया 3x के अंदर है। ये सारी मेडिसिन एक्स में डाली गई है, एक्स में एक्स का मतलब होता है बिल्कुल लोअर ट्राइचुरेट पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं, जैसे कि एस्क्यूलस हिप डाला गया है इसके अंदर, मैं इसके बारे में एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं, पूरी डाइट चार्ट के साथ मैंने एस्क्यूलस हिप को पूरा विस्तार से समझाया है, बट यहां पर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा एस्क्यूलस हिप वहां पर काम करती है जहां पर आपकी जो रेक्टल वेन्स है वो एनगॉर्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन के साथ में पाइल्स हो रहे हो, काफी दिक्कत हो रही हो,
इस मल त्याग करने में, स्टूल पास आउट करने में, कमर दर्द बना हुआ हो, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती है उनमें आफ्टर प्रेगनेंसी के कारण पाइल्स हो गए हो, सेकेंड डिग्री पाइल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एस्क्यूलस हिप मदर टिंचर, जो कि इसमें हमने 6 पोटेंसी में ऐड किया गया है। दूसरी मेडिसिन का मैं बात कर लूंगा, कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया एक ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो भी इसमें लोअर पोटेंसी के अंदर ऐड किया गया। ये एक ऐसी मेडिसिन है, रेक्टम जो होता है वहां पर सुइयां चुभ रही हो, इरिटेशन हो रहा हो, पेशेंट काफी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हो, बार बार हाथ जा रहा हो रेक्टम पर इचिंग करने के लिए, सुई चुभ रही हो, स्टिक्स लाइक कंडीशन, मतलब सुइयां रेक्टम में चुभ रही हो, आफ्टर मोशन फ्रेश होने के बाद पेशेंट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस कंडीशन के अंदर कोलिनसोनिया काम करती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हेमामेलिस की। हेमामेलिस के बारे में जैसा कि मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ग्रेट एंटी हेमरेजिक होम्योपैथी में फर्स्ट टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग हो रही हो वहां पर हेमामेलिस उसको पैसिव या एक्टिव तरीके से रोकने का काम करता है। ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही हो वहां पर हेमामेलिस वर्जिनिका बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, वहां सोरनेस हो गई है, बर्निंग हो रही है, काफी हॉट फ्लशेस से महसूस हो रहे हैं, वहां पर इसका बेहतरीन उपयोग देखा गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम भी इसमें लोअर पोटेंसी में ऐड किया गया है। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि स्वॉलन पाइल्स होता है, रेक्टम जो होता है मल त्याग करते समय सूजन आ जाती है, रेक्टम में गांठें बन जाती हैं, जिस तरह की एलोस्क्रोटिना की कंडीशन होती है लाइको में भी उसी तरह की कंडीशन होती है। गैस्ट्रिक फ्लक्चुलेंस काफी पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, पास आउट होती भी है, नहीं भी होती है, सिर भारी हो जाता है उसके कारण, लाइको भी इसमें ऐड किया गया। लास्टली मैं बात करना चाहूंगा सल्फर। सल्फर इसके अंदर ऐड किया गया, सल्फर एक ग्रेट एंटी सोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अंदर लोअर पोटेंसी के अंदर इसीलिए ऐड किया गया, किसी भी तरह की कोई इचिंग हो, इरिटेशन हो, वर्म लाइक इन्फेस्टेशन हो रहा है, पेशेंट बार बार इचिंग कर रहा है, आफ्टर मोशन या फ्रेश होने के बाद, मल त्याग करने के बाद पेशेंट को काफी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, तो वहां पर सल्फर अच्छा काम करती है। लोअर पोटेंसी में ऐड किया गया ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन होने के साथ साथ ये आपकी जो पाइल्स के अंदर रेक्टम की जो कंप्लेंट्स है उसको सबसाइड करने में काम करता है। तो ये जितने भी मैंने आपको कंपोजिशंस बताए, सॉरी इसमें एक एसिड नाइट्रिकम छूट गया, एसिड नाइट्रिकम एंटी हेमरेजिक भी काम करता है, इचिंग में भी अच्छा काम करेगा, और ग्रेट सोरनेस स्टिक लाइक कंडीशन होगी वहां पर भी बहुत बढ़िया एसिड नाइट्रिकम का रोल देखा गया है। तो ये जो जितना भी कंपोजिशन इसके अंदर ऐड किया गया है उसकी वजह से रेमेपाइल जो है लिक्विड पोटेंसी में बनाया गया है, और इसके में जो डोजेज है वो आपको मैं बता देता हूं, दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में, रेगुलर बेसिस पे 1 मंथ to 2 मंथ इसको रेगुलरली लें, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका, और गुनगुने पानी में लें तो आपको बशर्ते बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डाइट के बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं कि क्या पाइल्स में डाइट लेनी चाहिए पेशेंट को, आप प्लीज जो है प्लेलिस्ट है होम्योपैथिक वाइंस की उसमें जरूर जाकर चेक कीजिएगा, आपको इसके बनिस्पत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज देखने को मिलेंगे पाइल्स की, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी मैंने विस्तार से जानकारी आपको समझाएगी। तो ये रेमेपाइल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी हुई। अगर इस बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी आप प्राप्त करने के इच्छुक हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप बिल्कुल जाकर ईमेल आईडी और अदर लिंक चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अगर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा है, जैसे कि फिशर हो, फिशुला हो, हेमरॉइड्स हो, सेकंड डिग्री के हो, फर्स्ट डिग्री के हो, थर्ड डिग्री के हो, तो आप बिल्कुल रेमेपाइल ड्रॉप्स का सेवन कर सकते हैं, बट अपने सराउंडिंग्स में एक बार अपने जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उनसे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कंसल्ट करने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेरीज नहीं रहती है कि वास्तव में इफेक्ट करेगी या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।
इसीलिए मैं उस बात पर जोर देता हूँ कि अपने जो सराउंडिंग्स हैं एक बार अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से पूछें। मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, मुझसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से काफी कम समय में ही। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।